साथियों, आप सभी को सलाम नमस्ते आदाब। साहिल गोरखपुरी के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं चौक बाज़ार, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वाकई बहुत मशहूर जगह है यहाँ पे महाराजगंज ज़िले का। तो हम पिछले कवरेज दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के अंत तक। तो हम जो है गोरखनाथ मंदिर का जो एक उप ब्रांच है वहाँ पर हम आ चुके हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे है। और यहाँ पर बहुत सारी चारों तरफ दुकानें हैं और वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हम आपको पिछले कैमरे से दिखाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा जगह है। जैसे गोरखनाथ मंदिर है उस तरह यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं, चारों तरफ है। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ लेकिन अच्छा लग रहा है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं पूरा खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लगभग हर चीज़ की दुकानें आपको मिलेंगी, आप यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं। और लग रहा है संभवतः आज यहाँ बाज़ार भी है, तो बाज़ार भी लगा हुआ है, देख सकते हैं ये बाज़ार का पीछे नज़ारा है। और ये खूबसूरत जगह भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर बाजार भी लगा हुआ है, चल कर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गांव के लोग जो हैं बाज़ार में ही आकर ख़रीदारी करते हैं, यहाँ पर लगभग हर चीज़ आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं बर्तन है, कपड़ा है, खाने पीने के सामान हैं। और ये मंदिर का रास्ता है, तो देख सकते हैं। और ये पीछे बहुत बड़े एरिया में मंदिर है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जो मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसको महाराज जी के द्वारा, शासन के द्वारा इस चीज़ को फिर से उद्धार कराया गया। अच्छा, बाद में अभी मुश्किल से ये हुआ है, लगभग ये 2 साल पहले हुआ है। अच्छा, 2 साल पहले बना? 2 साल पहले। मंदिर तो बहुत पुराना है, बहुत पहले का है। हम मंदिर था जो प्राचीन मंदिर, मंदिर को अगर आप देखेंगे तो उसका पुराना चीज़ है, उसका किलोर गर्व ही है पुराना चीज़। जो बाकी चीज़ आप देख रहे हैं बाहर से वो सब नई चीज़ है। आसपास यहाँ कभी जंगल भी हुआ करता था क्या? हाँ, जंगल यहाँ, ये एक तरह से कह लीजिए अगर जंगल की बात करते हैं तो यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद जंगल शुरू हो जाता है। उस मंदिर से निकल कर अब हम चल रहे हैं राम ग्राम संपर्क मार्ग है। ये रास्ता जो देख रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये देखिए पीछे एक बोर्ड लगा है। तो हम लिवा के चल रहे हैं आपको रामग्राम में, जहाँ पर प्राचीन और ऐतिहासिक चीज़ें मिलेंगी। हम आपको वहाँ पहुँच कर डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के अंत तक। तो फिर चलते हैं।
हम राम ग्राम जो है बौद्ध विहार से चले आ चुके हैं। ये बहुत ही प्राचीन उधर आपको मंदिर दिखाया गया, यहाँ पे बौद्ध स्तूप है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की जो अस्थियाँ लाकर यहाँ पर स्थापित की गई हैं, और करीब हजारों 2000 साल पुराना ये स्तूप है। और यहाँ पे बहुत सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी विकास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी इसकी मतलब उसको सुरक्षित करने के लोग लगे हुए हैं। तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरे।